अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंडियन करंट क्रिकेटर ऋषभ पंत एक खतरनाक कार हादसे का शिकार हो गए हैं। आपको बताता चलूं, ऋषभ पंत दिल्ली से रोटकी जा रहे थे और ये कार हादसा सुबह सुबह 5:45 बजे ब्लाइंड स्पॉट के मुकाम पर पेश हुआ। इस हादसे की वजह फॉग बताई जा रही है और जैसे ही कार एक्सीडेंट हुआ तो एक्सीडेंट के कुछ लम्हात बाद ही कार को आग लग गई थी। इसको सुनकर और कार के हादसे की तस्वीरें देखकर आपको इस ख़तरनाक एक्सीडेंट का अंदाज़ा हो सकता है। और ज़राए की खबर ये भी है कि ऋषभ पंत के साथ 3 लोग और भी सवार थे और अब इन सब को देहरादून हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है। और अच्छी खबर ये है कि ऋषभ पंत खतरे से बाहर हैं, मगर उनको सर पर, पीठ पर और पांव पर बहुत ज़्यादा ज़ख्म आए हैं और इसकी रिकवरी में बहुत वक्त दरकार हो सकता है। और ये बहुत बड़ा लॉस है इंडियन क्रिकेट टीम के लिए, मगर हम सब दुआगो हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऋषभ पंत को सेहतियाब फरमाए और हम सबको हिदायत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। मज़ीद स्पोर्ट्स की अपडेट के लिए और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए हमारे साथ हमारे प्लेटफॉर्म क्रिक रूलर के साथ जुड़े रहिए और हमारे प्लेटफॉर्म क्रिक रूलर को सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कीजिए। शुक्रिया।